ऊना जिला के गांव नंगल सलांगड़ी के कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान यूसुफ खान पिछले लंबे समय से हाइड्रोपोनिक यानी पानी में खेती की तकनीक पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच यूसुफ ने नया प्रयोग करते हुए जहां हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए ही फूल गोभी और ब्रोकली की सफल पैदावार की थी, अब इसी विधि से आलू के उत्पादन का भी परीक्षण किया है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से बोया गया आलू का बीज पौधे का रूप लेने के साथ साथ अब उसमें आलू भी लगना शुरू हो गया है। जो जनरली लोग क्या करते हैं कि लिखा बाग या कोई और चीज या फिर जिसे मतलब बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये प्योर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जो मतलब इससे बेरेक लेता है। इसमें जो इसको उगाने का बीज आता है वो हाइड्रोपोनिक अलग है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी बीज जो नॉर्मल है। हाँ जी, नॉर्मल बीज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इधर से नर्सरी से लेंगे जमीन से, तो इसको इसमें रैप करेंगे। ये कलर वाटर हेड है, ये रोमेन कलर है। कैरेक्टर्स कुछ चेंज हो जाएंगे? इसमें सबसे बड़ी बात सेम वही सिस्टम है, ये खाली है, इसमें पाइप पानी चलता है। ये टाइमर पे एडजस्ट किया, अभी चल रहा था, अभी बंद हो गया। तो इसमें वही है, इसमें ये है कि अगर आपने कैपेसिटी बढ़ानी है अपने, वो अलग तैयार करते हैं, वो नर्सरी वो तैयार कर रहे हैं। भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए है, लेकिन सॉइल में नहीं होगी। ये कोको पीट है, मतलब नर्सरी सेक्शन हम साइड पे करते हैं। इसमें सिर्फ ट्रांसप्लांट बोलेंगे, पानी में धो के ये इसको अलग कर देंगे। मतलब ये जड़ ही लेनी है हमने। नहीं, ये देखिए, अब नीचे देखिए आप, ये देखिए प्रोडक्शन तो नहीं होगा जैसे एक आलू का पौधा। सर ये फर्स्ट ट्रायल है मेरा। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रायल है ये? ओके जी। अच्छा, आलू जैसे इसमें तो? हाँ जी, आलू ट्रायल पे है। ओके, मैं दिखाता हूँ। ये आलू का बीज डाला हुआ है चेक करने के लिए। आप देखिए, ये उसी मशीन डाले हुए। अच्छा, देखिए कितने आई है, मतलब अभी तो शुरुआत है। अगर इसमें 10-12 भी आलू आ जाते हैं तो मान के चलिए करीब 2 किलो आलू आराम से निकलेंगे, अगर अच्छा साइज आता है तो। और प्लांट में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। जो डीसी साहब ऊना से जो आज आए थे, उनके साथ जो भी हमारा वार्तालाप हुआ, तो वो भी इसमें काफ़ी कन्विंस्ड लग रहे थे बातचीत में, कि हाइड्रोपोनिक्स को हम एक आम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तो अभी उनके दिमाग में है ये बात, और उसको देखते हुए वो भी शायद आगे एग्रीकल्चर यानी कृषि अधिकारियों से बात करेंगे कि इसको हम आम गांवों तक या फार्मर तक या किसान तक कैसे पहुंचाएं। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी इस तरह से अगर सोच रखेगा तो ये टेक्निक, जिसे हम कहते हैं कि बड़ी हाईटेक टेक्निक है, ये जल्दी ही आम किसानों के बीच पहुंचेगी। हाइड्रोपोनिक्स स्पेशली आलू के ऊपर मैं भी काफ़ी उत्सुक था कि कैसे किया जाए, लेकिन फाइनली जब मैंने इसे शुरू किया तो इतना था कि शायद ये कामयाब हो नहीं हो, लेकिन आज जैसे ही हम देख रहे हैं कि इसमें छोटे-छोटे आलू शुरू हो गए हैं, जिसे ट्यूबलेट्स बोलेंगे, तो उनको देखते हुए जो उम्मीद थी कामयाबी की अब बढ़ गई है, कि अब ये कामयाब होता हुआ दिख रहा है एक्सपेरिमेंट। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम लोग जनरली हम सब ये देखते हैं कि आलू की फसल में मेहनत बहुत होती है, कभी कभी गुड़ाई करो उसको, कभी मिट्टी चढ़ाओ, कभी कुछ करो, स्प्रे करो, ये करो, वो करो। तो हमने अभी तक इसमें सिर्फ आलू लगाने के बाद कुछ भी काम नहीं किया, इस तरह की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो अगर ये सच में ही अगर एक कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारे लिए या किसानों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, जिसे हम हाइड्रोपोनिकली आलू घर के अंदर बरामदे में कहीं भी इंडोर भी उगा सकते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक है, नवीनतम तकनीक से एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जा रहा है, और काफ़ी मेरे लिए भी जो है आई ओपनिंग है ये, कि एक नई तकनीक से जहाँ पे
बिना सॉइल के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे जो है पौधों को लगाया जा रहा है और पैदावार अच्छी है और पेस्ट से फ्री है। और ऐसी जो पद्धति है उसको देखना जो है वो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे सेटअप इन्होंने किया हुआ है। हम चाहेंगे कि ये ऐसी पद्धति जो है इसको प्रमोट किया जाए जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी एस्पायर कर सकें कि नई टेक्नोलॉजी अपना के कि अच्छी प्रोडक्शन करके एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कमा सकें। सर अक्सर देखने में आता है जो किसान है वो पौराणिक विधि जो है उसको ही इस्तेमाल करता है, अब नई नई विधियाँ जो है वो आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर जो है वो एग्रीकल्चर विभाग को भी आप? बिल्कुल जी, इस विज़िट के बाद जो है एग्रीकल्चर विभाग से बैठक करके और ज़िला ऊना में हम प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी तकनीक जिससे प्रॉफिट फार्मर का ज़्यादा हो सकता है, जो हमारा राष्ट्रीय गोल भी है कि दुगनी करनी है फार्मर्स की इनकम, या कुछ ऐसे क्रॉप्स जो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ब्लैक वीट है, इनके बारे में हम सोच रहे हैं कि ज़िला ऊना में ऐसे क्लस्टर्स जो हैं हम इनके डेवलप कर सकें और फार्मर्स को भी जो है वो फार्मर जो है खेती ना छोड़ें, जो अबैंडन कर रहे हैं खेती वो प्रिवेंट कर सकें और यंगर जनरेशन एस्पायर कर सके कि वो एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के रूप में चला सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जितेंद्र कंवर और मनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।